हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति। और जैसे आपको पता है कि कुछ मैंने आपके साथ पास्ट में, भूतकाल में, मैंने आपके साथ कुछ ऐसे सवाल आपके साथ शेयर किए थे, ऐसे क्वेश्चंस शेयर किए थे कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही सवाल लेने वाले हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं, आपके माइंड में जो शंकाएं हैं, वो क्लियर हो सके। ओके, और आपका जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे मिलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, कि क्या आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाकर अपने सारे बुरे बुरे कर्म को मिटा सकते हैं? ये पहला सवाल है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर आप जाते हैं और अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाते हैं, तो क्या आपके सारे प्रेजेंट लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं? क्या वर्तमान काल के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करके? दैट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने से लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? ये तीसरा सवाल है। ओके, तो ये सारे सवाल के जवाब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसका जवाब, तो मुझे आपको बताना अच्छा लगेगा। सो मेक श्योर कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, स्टे ट्यून्ड। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए जानते हैं वो सारे सवाल के जवाब। सबसे पहला सवाल, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने से आप अपने पास्ट के बुरे कर्म को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं? उसका जवाब है नहीं, आप नहीं मिटा सकते हैं। और कर्म के बैगेज, मतलब आपने कुछ बुरा कर्म किया और उस वो एक कर्म की गठरी बन गई, राइट? गठरी बन गई और वो आपके साथ रहती है जब तक आप उसे चुका ना दें। और वो किसी भी हालत में, किसी भी शर्त पर वो कर्म की गठरी डिसॉल्व नहीं हो सकती। किसी भी हाल में वो कर्म की गठरी को आप मिटा नहीं सकते। आप उसे बस मिटा सकते हैं तो चुका कर, उस कर्म को आप चुका कर ही मिटा सकते हैं, राइट? उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भले आप जितना भी इसी गंगा में स्नान करो, या फिर आप कोई धार्मिक किताब पढ़ो, कुछ भी करो, किसी कोई बड़ी सी, कोई बड़े महा कोई महात्मा है उनके जाकर आप पैर छू जाओ। कई बार लोग लिखते हैं ऐसे किताबों में, राइट, कि ये कीजिए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। भाई ऐसे थोड़े ना धुलते हैं पाप। तो अगर ऐसा, अगर इजीली धुल जाते पाप, तो लोग तरह तरह के पाप कर लेते और जाकर फिर गंगा में नहा लेते। गंगा में नहाने से एक्चुअल में पॉजिटिवली क्या होता है वो मैं आपको बताऊं, बिकॉज टॉपिक निकला ही है तो शायद आपको क्लियरली पता होना चाहिए। गंगा में नहाने से आपके एक तरह से शुद्धि आती है विचारों में, जिसके बाद आपके खुद के ऊपर है अगर आप बदलना चाहते हैं तो। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम वीडियो बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, अब दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, कि जो मुझे पूछा जाता है, कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने से मेरे सारे प्रॉब्लम्स, मेरे जो वर्तमान काल के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो मिट सकते हैं? उसका जवाब है नहीं, नहीं मिट सकते। और तीसरा सवाल है कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने से आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? उसका जवाब भी है नहीं। अब जब आपको तीनों सवाल के जवाब ना में मिल चुके हैं, तो शायद आपका अगला सवाल हो सकता है, अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन इतने बड़े बड़े जो काम है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर ये सारे काम पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना कर सके, तो हम क्यों पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाएं, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन। उसके लिए जवाब ये है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाकर आप अपनी कार्मिक पैटर्न जो है उसे आप रिलीज़ कर सकते हैं। कार्मिक पैटर्न मतलब क्या? लेट्स से एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हस्बैंड को एंगर, गुस्से का प्रॉब्लम है, जो बार बार अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा उतारते रहता है।
अब यूजुअली एंगर की वजह कुछ और है, उसकी लाइफ में उसे लेसन दिया गया है कि जब भी उसको गुस्सा आता है तब उसको कुछ सीखना होता है, लेकिन वो सीखने के बजाय वो सारा गुस्सा अपनी वाइफ के ऊपर उतारता है जस्ट बिकॉज उसे नहीं पता है कि उसे एंगर में से कुछ सीखना है, उसे गुस्से में से कुछ सीखना है, राइट? उसे नहीं पता है, इसीलिए वो गुस्सा उतारते रहता है वाइफ पे। उसके बाद अगला जन्म लिया है तो ये जो पति है वो अब पत्नी बन जाता है, वो अब स्त्री बन जाता है, और जो पत्नी थी वो हस्बैंड बन जाती है, और फिर वही स्टोरी, राइट? जो अब पत्नी बनी है, पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने हस्बैंड के ऊपर पर गुस्सा उतारते रहती है, उसे हमेशा लगता है कि उसके हस्बैंड कुछ करते नहीं, कुछ काम ठीक से नहीं कर सकते, जो बताते हैं वो अच्छे से सुनते नहीं, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये हो गया पत्नी का पैटर्न। पैटर्न भले पत्नी का है लेकिन उसी सोल का पैटर्न है कि जो अगले जन्म में भी था, उसके बाद का जन्म कि जो वर्तमान काल का जन्म है, वर्तमान काल का जो जन्म है उसमें जो सोल है कि जिसको गुस्से का प्रॉब्लम था, वो सोल अब एक पेरेंट है। मान लीजिए कि ये एक माँ है, राइट? और जो सोल जिसके ऊपर वो गुस्सा निकालते रहता था वो अब उसकी बेटी या फिर बेटा बन चुके हैं, और सेम पैटर्न इसी जन्म में वो दोहराते हैं। माँ हमेशा बच्चे को डांटते रहती है, तू तो गधा है, तू तो बेवकूफ़ है, तुझे तो कुछ नहीं आता, तू तो डफर है, पता नहीं तेरे जैसा बेटा मुझे कैसे हो गया या तेरे जैसी बेटी मुझे कैसे हो गई। सेम प्रॉब्लम है यहाँ पर, माँ भी अपने बच्चे के ऊपर सारा गुस्सा उतार रही है। जब भी उसके अंदर गुस्से की एक आंधी उबलती है तो उस गुस्से को वो पॉजिटिवली नहीं लेती है, वो गुस्सा उसे क्या सिखाना चाहता है वो ये नहीं सोचती है, बस सारा गुस्सा बच्चे के ऊपर निकाल दिया। अब जब ये स्त्री, जब ये माँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेगी तो उसको पता चलेगा गुस्सा करना उसकी कार्मिक पैटर्न है, और उसके बाद जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है वो उसकी मदद कर सकते हैं वो उसकी जो पैटर्न है उसे रिलीज़ करने में, उसकी जो पैटर्न है कि वो पास्ट में अपने पार्टनर को हमेशा यू नो डांटते रहती है, गुस्सा निकालते रहती है, तो वो जो पैटर्न उसका बन चुका है, और वो भी स्पेसिफिक सोल के साथ, राइट? कोई एक इंसान या फिर हर एक इंसान के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, तो वो जो पैटर्न है वो रिलीज़ करने के लिए कुछ तरह का थेरेपी प्रोसेस होता है कि जो थेरेपिस्ट करवाता है अपने क्लाइंट को, और उसके बाद वो जो क्लाइंट है कि जिसे वो थेरेपी मिली है वो उसे कुछ कॉन्शियस कुछ होमवर्क करने को दिया जाएगा, उसे सभानतावश कुछ ऐसा घर पे जाकर करने को दिया जाएगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जाएंगी कि जब वो टेक्निक्स वो इंसान कुछ टाइम के लिए करते हैं, वो लोग कुछ टाइम के लिए करते हैं, वो आप कुछ टाइम के लिए करते हैं, तो वो आपके अंदर से जो पैटर्न है वो हमेशा के लिए रिलीज़ हो सकती है, राइट? लेकिन उस पैटर्न को रिलीज़ करने में कुछ टाइम लग सकता है, और उस टाइम के लिए आपको वो टेक्निक करनी पड़ती है, राइट? सो या, तो ये था आपके लिए ये सवाल। एंड इसी के साथ साथ मुझे आपको एक और बात बतानी है कि अगर आप मुझसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। आप में से कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स होते हैं, कुछ ऐसे CDs होते हैं कि जो अवेलेबल होते हैं बाज़ार में या फिर ऑनलाइन, कि जो आप डायरेक्टली डाउनलोड करके सीधा सुन सकते हैं, कि जो आपको रिकॉर्डिंग एक तरह का होता है कि जो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाएगा। आपके सवाल हो सकते हैं कि उसमें और आपके रिग्रेशन में क्या फ़र्क है। रिग्रेशन अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास करवाते हो जहाँ पर आपके साथ एक थेरेपिस्ट उपलब्ध है, मतलब या तो फ़ोन के द्वारा भी अगर आप करवाते हो रिग्रेशन थेरेपी, तो आपको पता है कि फ़ोन पे भी आपके साथ एक थेरेपिस्ट बने हुए हैं, राइट? आप बिल्कुल अपने आप के ऊपर निर्भर नहीं हो थेरेपी के प्रोसेस के दौरान, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस हो सकता है जब कोई थेरेपिस्ट आपके साथ है, कि आप बहुत ही ज़्यादा डीप, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ऐसी मेमोरीज अगर आपके पास है तो वो आप रिलीज़ कर सकते हैं। जो अगर आप अकेले करते हैं, आप किसी रिकॉर्डिंग के ऊपर से करते हैं, तो बहुत दर्दनाक जो रेमेडीज़ है, बहुत ही दर्दनाक जो एक्सपीरियंसेस है, आप उसे अपने आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आपका जो माइंड है वो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस ऐसी मेमोरी ओपन करके देगा ही नहीं,
राइट, इसीलिए एक बेनिफिट वो होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास रिग्रेशन करवाना। तो या आप करवा सकते हैं, नीचे रिग्रेशन की लिंक मैंने डाल दी है कहाँ से, जहाँ से आप स्केड्यूल कर सकते हैं मेरे साथ सेशन। प्लस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना होता है कि जिसके बाद आप एलिजिबल होते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए। तो वो क्या है, कैसे करना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो या तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत सारे और लोगों की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ या फिर उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।